part, we will do question number 3 of exercise 1.2, and this question is very much important from exam point of view. This question mein humko bola gaya hai, show how under root 5 can be represented on number line. Number line pe aap under root 5 ko kaise represent karenge, ye humko seekhna hai aur isme hume batana bhi hai, theek hai? To iske liye kuch particular steps hain jo aapko follow karne padenge aur iske through hum is question ko kya karenge, solve karenge. To isme jo pehla step hai वो क्या है देख लेते हैं. ड्रॉ अ लाइन. सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है. इसमें आगे हमने लिखा है टेक ओ ए इक्वल्स टू 2 यूनिट. अब बात ये है कि यहाँ पर जो मैंने लिखा है टेक ओ ए इक्वल्स टू 2 यूनिट्स, तो यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर 2 यूनिट्स का यूज क्यों किया है, ये आपको जब मैं स्टेप 2 समझाऊंगी तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि व्हाई वी आर टेकिंग हियर ओ ए इक्वल्स टू 2 यूनिट्स. ऑलराइट, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ की है. इधर मैंने पॉजिटिव नंबर शो किया, इधर नेगेटिव नंबर शो किया. इसकी वैसे जरूरत नहीं है, आप केवल इतना भी शो कर सकते हैं. नाउ सी, यहां पर मैं क्या कह रही हूं कि यू हैव टू टेक ओ ए इक्वल्स टू 2 यूनिट्स. लेट दिस पॉइंट इज ओ एंड 2 यूनिट्स, हियर इट इज 2 यूनिट. आप अपनी स्केल की हेल्प से प्रॉपर मेजरमेंट लेके यहां पर जो डिस्टेंस है उसको क्या ले लेंगे, 2 यूनिट्स ले लेंगे. इसके बाद अब हमको क्या करना है, नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर AB on OA and AB equals to 1 unit. Now same, यहाँ पर 1 unit क्यों use किया है, you will get understand from this step number 2. अब हम क्या करेंगे, ये जो A point है, यहाँ पर से एक perpendicular draw करेंगे. A point कहाँ पर है, 2 units के बाद आपका क्या है, 2 units होने पर आपका A point यहाँ पर दिया गया है, ठीक है? अब इस A point पर आप क्या करेंगे, perpendicular draw करेंगे. Perpendicular जो draw करेंगे, उसका जो length है वो कितना होना चाहिए, 1 unit होना चाहिए. Now you will take your scale and draw a perpendicular of 1 centimeter here or 1 unit here. So I have drawn this. इस perpendicular को आप नेम दे देंगे AB. Now this is, this whole distance is 2 units from O to A and this AB is 1 unit. Alright? अब आप क्या करेंगे, इस O से B को भी क्या करना है, हमको ज्वाइन करना है. लेकिन इस O से B को ज्वाइन करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर मैथमेटिक्स का भी पोर्शन है, कैलकुलेशन है, उसको चेक करेंगे. एंगल इज 90 डिग्री. तो जो अब हमें ट्राइंगल मिला है वो भी ज्वाइन करने के बाद ओ ए बी, ये कैसा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल. नाउ अब हम सभी को पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं. नो, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ perpendicular square plus base square. Alright. So in triangle OAB we will apply Pythagoras theorem. Now according to the Pythagoras theorem, here I can write OB square is equals to AB square plus OA square. Now just put the value. What is AB? AB is 1 square. And what is OA? OA हमने 2 unit दिया था, तो this will be 2 square. Now just solve this. 1 square equals to 1 and 2 square equals to 4. Now 1 plus 4 equals to 5. Now what is the value of OB square? You will get OB square equals to 5 unit. तो ये क्या apply करता है? OB का जो value है वो कितना हो जाएगा? Under root 5. This will be under root 5 unit. Alright, तो इस Pythagoras theorem की help से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो distance है ये कितना है आपके पास, under root 5 unit आ गया. अब शायद आपको समझ में आया होगा कि ये हमने जो unit लिया था OA का distance 2 unit क्यों लिया था और AB का distance 1 unit क्यों लिया था. Because 2 का square करने पर और 1 का square करने पर और दोनों को add करने पर ही हमें क्या मिलेगा, under root 5 मिलेगा. Alright, so that's why we have taken OA equals to 2 unit and AB equals to 1 unit. Now see, अब आप क्या करेंगे, इसका जो third step है, O को center मानते हुए, with center O, draw an arc of radius OB equals to root 5, which intersect number line at P, that is OP equals to root 5. अब देखो last step आपका क्या है, जब आपने इस OB को join कर लिया और इसका जो distance है, ये भी आपने calculate कर लिया कि ये कितना आया है, under root 5. अब आप क्या करेंगे, आप अपना कंपास लेंगे, कंपास के नीडल को ओ पॉइंट पे रखेंगे और इस ओबी को आर्क मानकर इसको मेजर करके और सेंटर पर आपके कंपास के नीडल रखकर आप ओबी मेजरमेंट पे आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि इस नंबर लाइन को कहीं पर कट करेगा. तो इस तरीके से आप अपने कंपास से इसको मेजर कीजिए और इसको क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ करते हुए नंबर लाइन पर एक इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट
पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेट दिस पॉइंट इज पी। अब जिस पॉइंट पर इस आर्क ने इस नंबर लाइन को क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है, तो ये जो पॉइंट होगा ओ से जो डिस्टेंस होगा, ओ से पी का जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस विल बी रूट फाइव। तो नंबर लाइन पे ये जो पी पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रूट फाइव यूनिट को। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। एक बार फिर से दोबारा से क्विक रिवाइज देख लेते हैं, इससे हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है और ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया था। देखो, जो भी नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर एक पर्टिकुलर मेजरमेंट आपको लेना है, तो यहाँ पर मैंने ओ से ए का जो डिस्टेंस है वो कितना लिया है, टू यूनिट लिया है। फिर जब आप ये पर्टिकुलर डिस्टेंस या मेजरमेंट ले लेंगे, उसके बाद जो आपका पॉइंट है उस पॉइंट से आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है दैट इज ए बी, उसका लेंथ कितना होना चाहिए, वन यूनिट होना चाहिए, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे, ओ से बी को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। सो वी विल गेट दिस लाइन ओ बी। नाउ अब आप एक चीज ध्यान देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब हमने OB को ज्वाइन किया है तो जो हमारे पास ट्रायंगल मिला है दैट इज OAB को क्या मिला है, राइट एंगल ट्रायंगल मिला है। और हर राइट एंगल ट्रायंगल में हम कौन से थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, इस OB का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम को क्या किया है, अप्लाई किया है। नाउ OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। नाउ AB क्या था हमारा, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस था वो मैंने कितना लिया था, लेंथ था, दैट इज 1। तो 1 स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, OA कितना यूनिट लेंथ था, दैट इज 2। तो 2 का स्क्वायर, नाउ 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, नाउ 1 प्लस 4 इज 5। तो ये जो वैल्यू 5 था ये किसका वैल्यू था, OB का स्क्वायर का। बट हमें OB स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, OB चाहिए। तो दिस स्क्वायर विल कम हियर इन द अंडर रूट फॉर्म, सो वी विल गेट OB इक्वल्स टू अंडर रूट 5। तो ये जो OB हमने स्केल की हेल्प से ज्वाइन किया है बाद में, इसका जो लेंथ है वो कितना निकल के आ गया, रूट 5 यूनिट निकल कर आ गया। लेकिन अब आप ध्यान दें, ये जो रूट 5 है ये हमको यहाँ शो नहीं करना है, कहाँ शो करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। तो जो लास्ट स्टेप है वो हमें क्या करेगा, इस रूट 5 को नंबर लाइन पर क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, आप अपना कंपस लेंगे, कंपस की नीडल को इस O पॉइंट पर रखेंगे और OB का जो मेजरमेंट है इसको मेजर करते हुए एक आर्क क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। और जब आप ये आर्क ड्रॉ करेंगे तो वो नंबर लाइन को पर्टिकुलर एक पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो जब मैंने ये आर्क ड्रॉ किया तो यहाँ पर इसने इसको क्या किया, इंटरसेक्ट किया। मान लीजिए ये पॉइंट को मैंने नाम दे दिया